नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के क्वांटिटी के हिसाब से कितने क्यूब्स लिए सैंपल्स लेनी चाहिए आपको, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी कंक्रीट क्यूब्स के बारे में, क्यूब मोड, क्यूब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। पहला वीडियो है व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका पर्पस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा वीडियो है उसका प्रोसीजर कैसा है, वो टेस्ट कैसे करते हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे क्या क्या आते हैं और उसके हिसाब से क्या हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आई बटन में भी मिलेगा। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कॉन्क्रीट क्यूब्स का टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, वो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं और साथ में उसके कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंक्रीट कितना क्वांटिटी के लिए कितना क्यूब्स लेना है, उसका हम डिटेल देखेंगे कि इतना क्वांटिटी है तो कितना सैंपल क्यूब लेना है, तो कितना नंबर ऑफ क्यूब्स सैंपल, एक सैंपल में कितना नंबर ऑफ क्यूब्स आता है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। ये क्यूब कास्टिंग का प्रैक्टिकल वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं क्यूब्स तीन लेयर में कास्ट कर रहे हैं और इसका जो टैंपिंग रॉड है वो 16 mm डाया का है और 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। और ये तीन लेयर में कास्ट करते समय इसका जो ब्लोज है वो 35 ब्लोज रहते हैं, तीन लेयर में इसको 35 स्ट्रोक्स मारते हैं, इसके हिसाब से ये क्यूब कास्ट करते हैं। क्यूब का साइज़ 150 mm by 150 mm by 150 mm है और ये टैंपिंग रॉड 16 mm डाया है और ये तीन लेयर में भरते हैं। ये एक टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन से कितने क्वांटिटी के लिए कितना क्यूब्स लेना है, उसका सैंपल का एक टेबल है। सबसे पहला कॉलम है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन क्यूबिक मीटर, उसके बाद है नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी टेकन, इसके बाद है क्यूब्स टू बी कास्टेड फॉर 7 days टेस्ट, देन क्यूब्स टू बी कास्टेड फॉर 28 days टेस्ट, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स टू बी कास्टेड और रिमार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 to 5 क्यूबिक मीटर अगर कंक्रीट है तो उसमें हमको एक सैंपल लेना है। एक सैंपल मतलब एक सैंपल में तीन क्यूब्स रहते हैं, एक सैंपल मतलब 3 क्यूब्स टू बी कास्टेड। उसके बाद इसमें जैसे 7 days के लिए 3 हो गया और उसके बाद 28 days के लिए 3, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 6 नंबर्स। उसके बाद देखेंगे 6 to 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए 2 सैंपल लेते हैं, 2 सैंपल, तो इसके हिसाब से 7 days के लिए 6 और 28 days के लिए 6, तो टोटल नंबर्स हो गया अपना 12 नंबर्स। इसके बाद है 16 to 30 क्यूबिक मीटर, 16 to 30 क्यूबिक मीटर के लिए 3 सैंपल लेते हैं, जैसे इसके 9 हो गए, इसके 9 हो गए और टोटल 18 हो गए। इसके बाद 31 to 50 क्यूबिक मीटर, 31 to 50 के लिए 4 सैंपल लेते हैं, इसके 12 हो जाएंगे, इसके 28 days के भी 12 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 24 नंबर्स। अभी इसके बाद 51 क्यूबिक मीटर टू 100 क्यूबिक मीटर और वो ऐसे और अबव टू और जो भी आगे का अबाव रहेगा, ये सब के लिए टोटल 4+1 लेते हैं, मतलब 4 sample + 1 sample, मतलब ये इतना लेता है, इसमें 3 7 दिन वाले और 3 28 days वाले, तो इसमें आएगा 12+3 और इसमें भी आएगा 12 प्लस
3, तो टोटल कितने आएंगे, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 नंबर, मतलब 51 टू अबव कितना भी रहेगा उसके लिए एक एक सैंपल ऐड करना है, मतलब टोटल 30 क्यूबिक मीटर हो गया। अभी फॉर एग्जांपल अगर अपना कॉन्क्रीट क्वांटिटी 64 क्यूबिक मीटर है, अगर ये 64 क्यूबिक मीटर है तो इसका हम लोगों को सैंपल टोटल क्यूब्स कितना लेना है, टोटल क्यूब्स 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 नंबर, 30 लेना है। वही अगर कॉन्क्रीट क्वांटिटी 125 एम क्यूब है तो उसमें हमको टोटल क्यूब कितना लेना है, टोटल क्यूब 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 नंबर। इसमें ये मेन ध्यान में रखना है, एक सैंपल इज इक्वल टू 3 क्यूब्स और वो 7 डेज के लिए भी टेस्ट करना है, एक दूसरा सैंपल 20 डेज के लिए टेस्ट करना है। और ये इसका जो स्ट्रेंथ है, ये तीनों का एवरेज लेने के जो स्ट्रेंथ आता है उस स्ट्रेंथ को ही कंसिडर करना है। तो दोस्तों हमने आज देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब सैंपल्स, मतलब कितना क्वांटिटी कंक्रीट के लिए कितने क्यूब्स लेते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।